एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कुकिंग इज विद आराध्या। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी एंड डिलीशियस ब्लैक फॉरेस्ट केक। और मैंने इसे नॉर्मल ब्लैक फॉरेस्ट केक की तरह नहीं बनाया, थोड़ा सा ज़्यादा चॉकलेटी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट केक स्पॉन्ज दे दिया है। अगर आपको जानना है इसे आप कैसे बनाते हैं, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम इस स्पॉन्ज को टॉप से इवन करके तीन लेयर में डिवाइड कर लेंगे। और आपको थ्रेड से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप नॉर्मल नाइफ से उसको पूरा इंसर्ट करेंगे अंदर तक, वो अपने आप कट सकता है। और पैलेट नाइफ की हेल्प से उसे उठा लीजिएगा। और मान लीजिए कई बार वो लेयर्स इवन नहीं कट सकती, तो आप उसे नाइफ की हेल्प से इवन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड कर लिया है थ्री लेयर्स पे। तो अब मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है केक बोर्ड पे और उसकी रख ली एक पहली लेयर। तो यहाँ पर मैंने लिया सुगर सॉल्यूशन और इसे बनाने का सिंपली एक बड़ा चम्मच चीनी, पिसी चीनी भी हो सकती है और नॉर्मल चीनी भी हो सकती है, उसमें एक चौथाई का पानी मिला देना होता है। और हम इसे एकदम अच्छे से ब्रश कर लेंगे पूरे लेयर के ऊपर। इससे क्या होता है, जो क्रम्स होते हैं वो उधर ही सेटल हो जाता है। और मेन रीज़न होता है कि केक पूरा टाइम मॉइस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने 1 + 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम व्हिप की थी, तो यहीं पर मैं थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा रही हूँ। इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। और अगर मैं आपको एक टिप दूँ, तो जो एक्स्ट्रा क्रीम निकलती है ना साइड में, उसे साइड में दबा दिया करिएगा, उससे क्रम्ब कोट भी होते जाता है और आपका केक भी आसानी से पूरे क्रीम में कोट हो जाता है। तो ऐसे ही करके मैंने तीनों लेयर्स को कर लिया है एक संग अरेंज। और अब हम इसकी क्रीम कर लेंगे इवन। तो यहाँ पर मैंने अपने केक को कर लिया है इवन। आपको जो इसका टॉप है उसे ज्यादा इवन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम उसे चॉकलेट और क्रीम से कवर कर देते हैं। तो इसे 5 से 10 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया फ्रिज के। और यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, जिसे एक नॉर्मल नोजल में ट्रांसफर कर लिया। अगर आपके पास नोजल ना हो तो आप पाइपिंग पैन में सिंपली कट लगा के भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो, आप मेल्टेड डार्क चॉकलेट या कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। ये हर्षी सिरप है जिसे मैं यूज कर रही हूँ। और अब इसकी हेल्प से हम इस केक के साइड में ड्रिप्स बना लेंगे। ड्रिप्स बनाने के लिए बस पूरे केक के साइड में आप इस चॉकलेट सिरप को डालते जाइए। बस जहाँ पे ड्रिप बनाना है उधर थोड़ा सा प्रेशर डाल दीजिए ताकि ज्यादा चॉकलेट निकले। तो यहाँ पर मैंने बना लिया ड्रिप्स। और अगर ज्यादा गिर रही है, वो केक बोर्ड पर आ रही है, कोई भी चिंता मत लीजिए, उसे वैसे ही छोड़ दीजिए और आगे के स्टेप्स करते जाइए। तो सॉरी, मेरा यहाँ पर फोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे को पता भी नहीं चला था। तो इसके जो मैंने बेस पे बॉर्डर्स बनाए हैं, टॉप पे डेकोरेशन किए, उसकी मैंने एक ट्यूटोरियल इससे पिछले वाले वीडियो में डाल दिया है, ताकि आप उसे मिस आउट ना करें और इस केक में उसे डाल भी सके। बहुत ईजी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर अब मैं उसे डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े से चॉकलेट शेविंग, सिल्वर शुगर बॉल्स और कलरफुल स्प्रिंकल से। और जो मैंने रोजेट्स बनाए हैं उसमें मैंने लगा दिए थोड़े से चॉकलेट बॉल्स। ये कैडबरी के जो शॉट्स आते हैं मैंने उसी को यूज किया है। फाइनल टचेस होते हैं डेकोरेशन के, वो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। मतलब आप ये चॉकलेट बॉल्स हटाकर चेरीज लगा सकते हैं, अगर आप एक परफेक्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना चाहते हैं। मैंने इसे थोड़ा अपने आप से डेकोरेट करा है, इसलिए इसमें मैं शॉर्ट्स मतलब चॉकलेट बॉल्स, स्प्रिंकल्स और थोड़े से जेम्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जेम्स का एक कलर पैलेट ले लिया, मतलब मैंने चार कलर को पिकआउट कर लिया और उसे को पैटर्न से साइड में लगा रही हूँ। और बनकर तैयार है बेहद ही टेस्टी एंड डिलिशियस और देखने में भी एकदम खूबसूरत चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक, वो भी एक्स्ट्रा चॉकलेटी। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे बॉर्डर का ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।